लास्ट क्लास में सभी स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल देख चुके थे हम लोग। अब बात करते हैं इन्हीं पर बेस्ड पॉइंट्स की। तो लिखे ये फर्स्ट पॉइंट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्रायंगल सबसे पहले आप देख लीजिए कहीं वो इक्विलेटरल तो नहीं है, जो ट्रायंगल दिया है वर्टाइसेस दिए हुए होंगे। डिस्टेंस फार्मूला से आप साइड्स की लेंथ कैलकुलेट कर लोगे, सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी जो भी सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड करते हैं एक्सेप्ट एक्स सेंटर, एक्स सेंटर बाहर होता है, बाकी सारे जो सेंटर है कौन कौन से, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। सर्कम सेंटर कोइंसाइड, मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया वर्टाइसेस दिए हैं और आपसे कहा गया ऑर्थो सेंटर निकालो या सर्कम सेंटर कैलकुलेट करो, तो आप पहले देखो ट्रायंगल का नेचर क्या है। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आप सेंट्रॉयड कैलकुलेट कर दो, वही ऑर्थो सेंटर है, वही सर्कम सेंटर, वही इन सेंटर है। और सबसे आसान फॉर्मूला किसका है, सेंट्रॉयड का, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, तो उससे आप कर सकते हैं। सेकेंड, अब आप देखो कि कहीं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो कोइंसाइड नहीं करेंगे, लेकिन सभी एक लाइन पर होंगे। उस प्रॉपर्टी की अगर जरूरत पड़ती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में उसको यूज कर सकते हैं। इन्हें आइसोसेलेस ट्राइंगल, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन पर होते हैं, ये चारों सेंटर एक ही लाइन पे होंगे। ऑल फोर सेंटर्स विल बी ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब आपने देखा ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है, इक्विलेटरल से तो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आप देखिए आइसोसेलेस होगा तो आप कोलिनियर बता सकते हो, लेकिन पॉइंट फिर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे। राइट एंगल अगर ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर्कम सेंटर हम डायरेक्ट बता सकते हैं, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस। जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होगा, एंड ऑर्थो सेंटर विल बी, और जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट और इज द वर्टेक्स एट विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड। जहां पे राइट एंगल बन रहा होता है, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बनता है वही वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर हो जाता है। देख लीजिए क्यों होता है ऐसा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ट्रायंगल एबीसी, क्या होता है इसमें अल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब बी से जब आप अल्टीट्यूड ड्रा करोगे एसी पर, अल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है तो ये तो यही परपेंडिकुलर है, यही अल्टीट्यूड हो जाएगा। ए से जब अल्टीट्यूड ड्रा करोगे बीसी पर तो यही अल्टीट्यूड होगा एसी, तो अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है सी, और इससे थर्ड वाले से अल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो मान लो ये कोई आगे सीडी, तो इन तीनों का ये वन टू थ्री, ये तीन अल्टीट्यूड है जिसमें से टू साइड्स अल्टीट्यूड बन गई जिनसे राइट एंगल बन रहा है, तो इसलिए ये हो गया ऑर्थो सेंटर। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस जो इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए ए बाई टू सी बाई टू, सी बाई टू आ रहा है, ये मिड पॉइंट ए एम बराबर सी एम है, तो ये मिड पॉइंट होगा सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट से देखिए इन दोनों की डिस्टेंस तो सेम हो ही गई, आप थर्ड सी से भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए वो भी सेम आती है। और सर्कम सेंटर क्या होता है, जिसकी सभी वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल हो, दैट पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर। अब
अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है उससे हो गया इक्विलेटरल का, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो तब भी आसानी से हो गया, लेकिन इक्विलेटरल भी नहीं आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं आ रहा है, तो क्या करें? कोई भी ट्रायंगल हो इन जनरल, फॉर एवरी ट्रायंगल, ये जो तीन सेंटर्स होते हैं चार में से कौन कौन से, इन सेंटर को छोड़ दीजिए तो बाकी बचे तीन, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, लिखेंगे इसे. इन एवरी ट्रायंगल, ठीक है कोई भी ट्रायंगल कैसा भी रहे, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे. आइसोसेलेस होगा तो इन सेंटर भी कोलिनियर हो जाएगा, और अगर आइसोसेलेस नहीं भी है, इन जनरल कोई भी ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है, तो भी ये थ्री पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर आते हैं. कौन कौन सा? सेंट्रोइड, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर. आर कोलिनियर. ये एक लाइन पे होते हैं. सेंट्रोइड तो आसानी से कैलकुलेट कर लोगे किसी भी ट्रायंगल में. सर्कम सेंटर आप कैलकुलेट कर सकते हो, उस पॉइंट को अल्फा बीटा अज्यूम करो तो उसकी तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल होगी, उस मेथड से सर्कम सेंटर निकाल सकते हो. और एक कोलिनियर तो है ही, और साथ में ये एक फिक्स रेशियो में भी होते हैं. वो फिक्स रेशियो लिखते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और करें इंपॉर्टेंट लिख लें, सेंट्रोइड डिवाइड्स. सेंट्रोइड को जनरली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहां जी लिख रहा हूं, सेंट्रोइड जी डिवाइड्स. लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर हो एंड सर्कम सेंटर को अगर सी से रिप्रेजेंट करें, सर्कम सेंटर सी, इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1 इंटरनली. ऐसे देख लीजिए, यहां पे है ऑर्थो सेंटर, इधर है सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड डिवाइड करता है. ऑर्डर ध्यान रखेंगे, कहीं ऐसा नहीं कर दें कि सर्कम सेंटर डिवाइड कर रहा है तो सब गड़बड़ हो जाएगा. ऑर्थो सेंटर ओ, सर्कम सेंटर ये सी, सेंट्रोइड जी, ये जो है 2:1 है, ये ओ जी इज टू जी सी, ये है 2:1. सेंट्रोइड बीच में होता है. ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद तो होना ही चाहिए. फिर भी अगर आपसे भूल जाता है तो याद करने के लिए भी ऐसे एक मेथड बताया जाता है कि इससे याद कर सकते हैं आप. ओ एन जी सी, इसको याद रखें कि ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्थो सेंटर को, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रोइड को, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कम सेंटर को, एन अपनी तरफ से एक वर्ड लेटर लिखा गया, ओ एन जी सी एक ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये ठीक है काफी बड़ी ऑयल की कंपनी है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की कंपनी है ये, ओ एन जी सी ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. जी के इधर देखिए कितने लेटर आ रहे हैं, टू, और इधर कितने लेटर आ रहे हैं, वन. तो ऐसे याद कर सकते हैं, जी डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1. ये याद करने के लिए मेथड बताया गया.
नोट कर लें इसे। और पॉइंट्स बताएं आपको इसमें कि पहले एक दो क्वेश्चंस बता दिया जाए। चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर और पॉइंट्स लिख लेंगे। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड। पहले एक दो क्वेश्चंस बता दें आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री आर द रूट्स ऑफ इफ एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री आर द रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री पी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री क्यू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन Then find the centroid of a triangle whose vertices are इसके vertices क्या है x1 comma 1 upon x1 x2 1 upon x2 and x3 comma 1 upon x3। नोट करेंगे एक ट्रायंगल के ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं x1 1 by x1 x2 1 by x2 x3 1 by x3 वेयर x1 x2 x3 इस क्यूबिक के रूट्स हैं। तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। P कॉमा क्यू होगा सर P कॉमा क्यू सिद्धांत बोड़वा ने P कॉमा क्यू और लोग बताएं केतव कहा गया और मैसा सोमदत्त केतव और सिद्धांत ने आंसर बताया था। ठीक है आसान है। पी कामा क्यू ये आ रहा है सभी का क्वाड्रेंट्स। एक क्यूबिक के रूट्स हैं अगर x1 x2 x3 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 समाप्त रूट्स क्या होगा माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस माइनस ऑफ माइनस थ्री पी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वन कितना आ गया थ्री पी आया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम लेंगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स वन ये क्या होगा ये होगा थ्री क्यू एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वन मींस थ्री क्यूब एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया वन। क्लियर कोई डाउट। अब बात करेंगे इसमें आगे सेंट्रोइड का क्या है कोऑर्डिनेट। सेंट्रोइड होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री। वाई वन की जगह है वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस वन बाई एक्स थ्री अपॉन थ्री। अब रखेंगे इसकी वैल्यू तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आंसर कितना है 3p अपॉन एंड 1 बाय x1 एलसीएम लोगे तो x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3q अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 x3 की वैल्यू 1 अपॉन 3 कितना आ गया p कॉमा q। देखें सॉल्यूशन किसी को कोई डाउट है तो बताइए। देख लें सभी लोग सॉल्यूशन किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर टू लिखूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर टू
इफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर ए कमा बी एंड सी कमा डी आर ए कमा बी एंड सी कमा डी ऐसे लिख लो इफ यहां द ऑर्थो सेंटर एंड इसका लिखो इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ए इज एक्स वन कमा वाई वन देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी नोट करेंगे सभी लोग और इसको बनाइए कोई भी डाउट है तो बताइए किसी को इसमें पहले वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है और इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू कृतिका हो गया क्या मैथ सर सर ए प्लस टू सी माइनस एक्स वन ए प्लस टू सी माइनस एक्स वन सिद्धांत ए प्लस टू सी माइनस एक्स वन ये क्या है एक्स कोऑर्डिनेट ना वापस बोलो यही है ना ए प्लस टू सी माइनस एक्स वन यस सर और वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस टू डी माइनस वाई y कोऑर्डिनेट b प्लस टू डी माइनस वाई वन ठीक है यही बता रहे हैं आप लोग a प्लस टू सी माइनस एक्स वन एंड b प्लस टू डी माइनस वाई वन इसमें थोड़ी मिस्टेक है बेटा अपॉन टू भी है सर अपॉन टू भी होगा हाँ अपॉन टू ठीक है अपॉन टू होगा तो सही है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो इससे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या देखो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या दिए ए बी सर्कम सेंटर के दिए हैं सी डी तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसको टू इंस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है तो उसे लिखो वन इंटू ए प्लस टू इंटू सी अपान वन प्लस टू थ्री ऐसे ही वन इंटू बी बी प्लस टू इंटू डी टू डी अपान थ्री वन प्लस टू तो पहले आप अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी कि सेंट्रोइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1 उसी प्रॉपर्टी को लगाया गया अब ये ट्रायंगल देखिए ए बी सी बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है ऐसा ये कैलकुलेट कर लें मान लो ये डी है ये कैलकुलेट करना ये अल्फा बीटा मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन फिर से सेंट्रोइड इस मीडियन को भी किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1 में डिवाइड करता है तो इससे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इससे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आएंगे सेक्शन फॉर्म लगाओ 1 इनटू x1 प्लस 2 इनटू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 3 1 इनटू y1 प्लस 2 इनटू बीटा अपॉन 3 हमें यहां कैलकुलेट करना है अल्फा और बीटा अब यहां से आपने सेंट्रोइड कैलकुलेट किया और इधर सेंट्रोइड कैलकुलेट किया दोनों से सेम पॉइंट को कैलकुलेट किया तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए आपस में इक्वल होने चाहिए तो दोनों कंपेयर कर दीजिए तो a प्लस टू सी अपान थ्री शुड बी इक्वल टू एक्स वन प्लस टू एल्फा अपान थ्री थ्री कैंसिल तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई
a प्लस टू सी माइनस एक्स वन अपॉन टू, इसी तरह से b प्लस टू डी अपॉन थ्री शुड बी इक्वल टू वाई वन प्लस टू बीटा बाई थ्री। यहां से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस टू डी माइनस वाई वन अपॉन टू। तो ये अल्फा बीटा किसके कोऑर्डिनेट है, d के। तो पॉइंट d क्या आ गया हमारे पास, a प्लस टू सी माइनस एक्स वन बाई टू, कहा बी प्लस टू डी माइनस वाई वन अपॉन टू, ये आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। देखिए कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर टू को देख लें ठीक से, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें किसी को सेकंड क्वेश्चन में। क्लियर है सर? तो इसमें और भी पॉइंट्स इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।